तो हेलो दोस्तों, है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आई के पेंटर यानी इमरान खान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आई के पेंटर मेवाती। तो दोस्तों वेलकम बैक, और काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं। काम चल रहा है, दो साइड जो चल रही हैं, जो दोनों साइडों पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, वक्त ज़्यादा लग रहा है। तो मैं हूँ गाँव चांदड़ा का में, और ये आप हमारे सामने देख रहे हो, मेरे बैकग्राउंड है। ये मकान है रहमान डॉक्टर साहब का। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी पेंटिंग की है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छी तरीके से मकान का जो लुक है वो बेहतर तरीके से एकदम ब्यूटीफुल तैयार किया है। और आप इत्मीनान के साथ बैठ जाएं, और अगर लोटे पड़े हैं तो आराम से देखो वीडियो, थोड़ी पूरी मकान की दिखाऊं मैं अंदर से भी। आज भाई थोड़ा सा आगे, तो हम लेते हैं अंदर एंट्री। यहाँ पर आप देख रहे हो लेटरिन बाथरूम पर दूसरे डिब्बे है, दो लाया इन्हें खोल दे, हाँ पता कर ले। तो यहाँ पे देखो ब्राउन दे दिया है, एनिमल पेंट है सारा। और यहाँ पे लेटरिन बाथरूम है जो यहाँ पे बाहर की ही है, ये पूरी कर दी है इसकी। जो आप देख रहे हो यहाँ पे डिजाइन है, जो पेंटिंग है सारी वाटर प्रूफ में है। तो मैं आपको अंदर ले रहा हूँ, और कुछ हमारे जो मिस्त्री काम कर रहे हैं भाई ऊपर, और वो लगे हुए हैं, तैयब है, साहिल है, और नीचे लग रहे हैं अल्ताफ। तो अब यहाँ पर हम अंदर ले रहा हूँ मैं एंट्री, तो दिखाता हूँ आपको पूरे मकान का वीडियो, बहुत ही अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से दिखाएंगे। तो थोड़ा पिक्चर व्यू अच्छा आता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ, जो गेट का कलर है वो ब्लैक कर दिया। अभी यहाँ पे घोड़ी वगैरह खड़ी हैं, तो ये अभी सामान थोड़ा इधर उधर फैला हुआ है, तो वो भी दिखाएँगे। और ये शुरुआत करते हैं हम यहाँ से घर की, जो मकान की एंट्री है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये दीवार दिख रही है, आपको एक पानी वाली बॉल भी बोल देते हैं, इसको कंचा भी बोल देते हैं बहुत से भाई, कोई इसे कंचा बोलता है, कोई बॉल बोलता है। तो कपड़े वगैरह भी हमारे तो ऐसे ही हो चुके हैं यहाँ पे, तो इन पर ध्यान मत दियो, ठीक है। ज़्यादा गरीबी को सिस्टम चल रहा है, पेंट फटो पड़ो है, ठीक हो तो हमने बहुत से डिजाइन भी कह दिए हैं, लेकिन भाई मैं तो फटो कह रहा हूँ, फटो यही। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से जो सारी वाटर प्रूफ है, ये एनिमल पेंट से बनाई जाती हैं, ये हैं जो बॉल वगैरह। और अब मैं अंदर जा रहा हूँ, तो अंदर का जो थोड़ा लुक है वो दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में मैं आपको दिखा रहा हूँ, मकान थोड़ा बड़ा है और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर कोई भाई बोर हो रहा है या कोई आपको प्रॉब्लम हो तो देखने में, तो भाई देखो ज़बरदस्ती भी ना है, अच्छे से जो भाई देखना चाहेगा वही देखेगा। ये देखिए इस दीवार का लुक माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आ रहा है, एकदम ब्यूटीफुल सेम टेल वाला लुक दे दिया है इसमें। ये देख रहे हैं आप, इसमें ग्रीन दिया है, ब्लू दिया है, और फिर जो डॉट बनाए गए हैं इसमें बॉल, वो रंगीन है, ब्यूटीफुल है। और इधर की साइड में थोड़ा सा बाकी साइड वही है, लेकिन इसमें चेंजिंग कर दिया गया है, इसमें येलो डाल दिया गया है, बीच में जो पत्तियां हैं वो येलो कलर से डाल दी गई हैं, लेकिन बाकी ऐसे थोड़ा दीवार सही आ रही है कि इसको। तो अब मैं मकान में अंदर कमरा में थोड़ा हैं, तो उन्हें मैं दिखा ना सकूँ तुमको। यहाँ पर देखिए ग्रीन डाल दिया है, और इधर से फिर जो बैठक है हमारी वो ऑरेंज कलर में हो रही है, ब्राउन वो भी आपको दिखा दिए। ये वायलेट दिया गया है, पिंक वायलेट सारे में, ब्राउन डे में वहाँ से और यहाँ तक पूरा। और इधर साइड जो गैराज है इसका, उसमें भी देखो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा क्रीम कलर दिया है एकदम। वो अंधेरे का जो मकान रहता है तो उसमें हम लाइट कलर ही देते हैं ज़्यादातर। तो हमारे इमरान भाई अभी बाहर घूम रहे हैं, उससे भी मुलाकात कराएँगे। मेरा नाम राशि है वैसे इमरान, और तो मैं थोड़ा अंदर का लुक दिखा देता हूँ। पल्ली साइड ब्राउन वगैरह दिखा दिया है, नीचे का है जो ये पोर्शन में नीचे का ही दिखा रहा हूँ अभी। तो इधर देखिए, यह देखिए कमरे का मैं जो आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ थोड़ा। यहाँ देखिए जो दीवार है इसकी वो पिंक की गई है, वायलेट तो नहीं है इसमें, लेकिन पिंक है, गुलाबी बोलते हैं उसको। अंदर से थोड़ा सा दीवार का लुक कैसा, और दिखा दे भाई थोड़ा सा, या अंदर का जो दीवार का लुक है वो भी एकदम ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। तो अगर कोई भाई डिजाइन या पेंटिंग कराना चाहे तो नंबर मेरा सामने डिस्प्ले पर आ रहा है, वीडियो पूरा देखना है, स्किप ना करें, पूरा देखोगे तो ही समझ में आएगा, प्रोसेस में पूरा दिखा रहा हूँ। तो परले कमरे में भी डिजाइन की हुई है वैसे, उसमें काम कर रहे हैं, उसको मैं नहीं दिखा सकता। तो मैं जा रहा हूँ ऊपर ले रहे हैं एंट्री। एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया हूँ, वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो जो किचन है, ये रसोई है और वैसे किचन भी बोल देते हैं। इसमें देखो ऊपर की छत पे फूल वगैरह जो बनाए हैं बहुत अच्छे तरीके से, शेड अच्छा दिया गया है, हमारा सामान सारा यहीं पे फैला है। तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, इसके बाद में ऊपर का जो आपको लुक है वो दिखाएंगे। थोड़ा पीछे रहते जाओ, थोड़ा सा जब आया आज। तो ये देखिए मैं अब ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर से माशाल्लाह
बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा आएगा, जो नज़र आएगा आपको यहाँ पे। देखिए छत है बहुत ही अच्छी, उसमें पीओपी नहीं है, लेकिन पीओपी का जो खर्चा है वो हमने बचा दिया है, और हम बचा ही देते हैं, सिर्फ ओनली लेंटर का जो छत है अपनी साफ करके रखे हैं, बस फूल वगैरह हम आप खुद ही बना देते हैं उसमें। तो आ जाइए भाई ऊपर कैमरामैन, थोड़ा अब ऊपर का दिखाते हैं हम आपको, यहाँ पे देखिए, और मैं आपको दिखा भी रहा हूँ पूरा जो लुक है। ये देखिए मेरे सामने आपको जो दीवार दिख रही है, चौबारे हैं जो कमरे हैं ऊपर वाले, मैं ऊपर आ चुका हूँ थोड़ा, और यहाँ पे पूरे कमरे का ये देखिए शेडो आपके सामने जो बन के नजर आ रहा है, इस पर छाया आती है भी वैसे भी, और अंदर से भी दिखाऊं कमरा तो मैं अंदर का जो लुक है वो भी देखेंगे। तो इसमें सामान जमा दिया है भाई ने, वैसे बहुत ही अच्छा बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजावट की है इसकी, और इमरान ने नया कारपेट बिछा दिया है, मैं भी इमरान ही हूँ वैसे, वो इमरान जिसका मकान है मैं उसका नाम दे रहा हूँ। ये देखिए भाई, और उस पर कपड़े वगैरह भी लगा दिए हैं आए थोड़ा सा, तो ये देखो उसका जो लुक है भाई, दिख रहा है आप भी बाहर से तो आपको दिख रहा होगा, हम अंदर एंट्री नहीं ले रहे हैं कमरे में। ये देखिए ये दीवार बहुत ही अच्छी तरीके से वॉलपेपर टाइप की बना दी है, उसका बेड उरली साइड में ही था तो इसलिए बेड की जो बना दी है वो। भाई कमरा को मूंद देते हैं और बंद करें, और यहाँ पे देखिए फिर मैं दूसरा कमरा है जो वो भी दिखा देता हूँ, दूसरे कमरे का लुक भी माशाल्लाह बहुत ही एकदम ब्यूटीफुल, और इसमें आज भाई इसमें तो अंदर एंट्री ले सके तू, देखो यहाँ पे, और भाई ने कारपेट वगैरह जो नीचे बिछा रखी है, तो ये देखिए सोफ़ा वगैरह जमा रखे हैं इमरान यहाँ पे। ये दीवार इसकी है, इस पर जो फूल पत्तियाँ हैं वो थोड़ी स्टेंसिल वाली बनाई है, हमारे हाथ की कारीगरी इसमें थोड़ा कम है, तो आपके सामने जो नज़र आ रही है दीवार वो दिखा दिया है मैंने आपको बाहर से। और हमारे पास बहुत सी कॉल आती हैं, बहुत से भाई कॉल कर रहे हैं जहाँ से भी आप कॉल करते हैं, तो मैं उन सभी भाइयों से कहना चाह रहा हूँ इधर उधर दीवार में, और भाई देखो हमारे पास वेटिंग है बहुत, 2 महीना 2.5 महीना की वेटिंग है फिलहाल, और मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ जो इस टाइम है 2-2.5 महीने की वेटिंग। तो जो भी भाई कॉल करे तो अपनी पहले ही कॉल कर ले, क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे के काम को छोड़ के उसमें तुरंत पहुँच जाएँ, थोड़ा टाइम लगता है आने में। तो ये देखिए यहाँ पे जो दीवार है वो भी आपको बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है माशाल्लाह, और कुछ काम जो बाकी है लगे हुए हैं, चेले लग रहे हैं हमारे मिस्त्री जो घूम रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए अल्ताफ भाई भी है लहरवाड़ी से, और ये तैयब खान है, साहिल है ऊपर, और माशाल्लाह आज धूप जो बहुत दिनों बाद खिल रही है, क्योंकि इसमें ठंड में ना जो ठंड का टाइम में जो ये काम में टाइम लगा है बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं अभी सभी दोस्तों से अपने सभी जो हमारे वीडियो देख रहे हैं और सभी से गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो उस पर सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो उस पर फॉलो कर लें दोस्तों। तो आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, और हम ऐसे ही काम करते रहें, अच्छी अच्छी पेंटिंग आपको लाते रहें, और नई नई पेंटिंग लाते रहेंगे इंशाल्लाह। और जो हमारे पेंटर भाई हैं उनसे भी मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं पेंटिंग बनाते हुए भी दिखाता हूँ, और कोई भाई देख देख के बनाना चाहे बना सकता है, तो सभी भाई खावें कमावें तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा ना है कि भाई अपने अपना कद्दा खैरना रखने चाहिए, मैं बात बोल रहा हूँ भाई इंग्लिश ना बोल रहा हूँ ठीक है। तब पर साइड ले ली, ओहो अब आल पाल मार बैठा है तो भाई हमारा चेला है पूरा अठाल को खा रहा है अभी, मैं लगा लियो और पैसा टाइम पे नौकरी मांग गए हाँ, और फिर मैं ही ले दूंगा ना। तो दोस्तों ये मकान मैं आपको दिखा चुका हूँ, और कमेंट में करें कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और कैसा आपको वीडियो लगा, जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऊपर भी दिखा देते हैं थोड़ा, आ जाओ भाई ऊपर का भी दिखा देते हैं आप लोकेशन, तो बहुत ऊपर चले जाएंगे अभी तो, काफ़ी अच्छा पैसा लगा रखा है भाई ने, और बहुत ही अच्छा मकान है, लेकिन देखो मकान बनाने का और उसमें पैसा लगाने का फ़ायदा जब है जब पेंटिंग अच्छी हो जाए, ऐसा नहीं है बहुत से भाई मकान में पैसा बहुत अच्छा लगा दे हुए हैं और मोल्डिंग अच्छी करवा ले हुए हैं, लिसाई अच्छी करवा ले, सारा कुछ अच्छा करवा ले, लेकिन बहुत से भाई लोग पेंटर ऐसा मिल जावे हैं कि वो पेंटर मकान की सारी लुक है बिगाड़, तो ऐसा है कि पेंटर के हाथ में रह मकान बनाना और बिगाड़ना। तो अगर अच्छा मकान है वो आपको पेंट बुरो कर दियो
तो सारा मकान ही बुरा लगेगा। अगर मकान बुरा भी है, सीढ़ो भी है, मतलब बुरा सीढ़ो खैर कोई बड़ा में नाम, एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर मकान खराब भी है और पेंटर कोई अच्छा मिल गो तो वो पेंटिंग का लुक्स वह सुधार सके। तो लिसाई विसाई के बाद में पेंटिंग के ऊपर ही दारमदार रहे मकान की। तो मैं यही वजह से कह रहा हूँ, आप अच्छा पेंटर चुने और अच्छी क्वालिटी लगाए, अच्छी पेंटिंग कराएं, तो मकान आपका खुद खुद अच्छा लगेगा। उसका पैसा लगा हुआ भी दिखेगा, कितना पैसा लगाए कितना नहीं लगाए सारा कुछ उसमें फिर आपको नज़र आएगा। तो सभी भाई से यही बात कह रहा हूँ, अगर एक इंसान मतलब अच्छा नहीं है, मतलब शक्ल अच्छी नहीं है और उसको कपड़े अच्छे पहना दिए जाएं, तो सारी पब्लिक उसके सामने फोकस करेगी, मतलब उसको देखना शुरू कर देंगे। और अगर इंसान खूब अच्छा है, खूब मलूक है, तो उसको फटे पुराने बुरे कपड़े पहना दे, जैसे मैंने पहन रखा है फटा, तो मतलब वो भी बुरा लगन लग जावे, तो कपड़ा आंसू भी डेकोरेशन अच्छी लगे। तो यही मकान का जो पेंट है वही हिसाब से कपड़ा है, तो मकान को अच्छा लुक देंगे तो पेंटिंग अच्छी कराएं और अच्छे पेंटर से कराएं। ठीक है दोस्तों, तो इससे ज़्यादा ऊपर जाने की तो ज़रूरत मुझे नहीं है, शायद मैं नीचे ही आ रहा हूँ। तो सभी भाइयों से बार बार रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो भाई सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और हमारे वैसे कॉमेडी वीडियो भी हैं और मेरे चैनल हैं तीन, तीनों मोनेटाइज हैं, एक आई के फैंसी आइटम और दूसरा है आई के म्यूजिक मेवाती, और जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो ये है आई के पेंटर मेवाती। तो तीनों को सब्सक्राइब कर लें, और जो आई के फैंसी आइटम है उस पर लाइट के सैंडल, लाइट वाले दुपट्टा, लाइट वाले चूड़े, कपड़ों में लाइट लगाने का जो प्रोसेस है उस पर वो वीडियो डालते हैं, कपड़ों में जो लाइट लगाते हैं, और इस पर पेंटिंग की वीडियो और कॉमेडी वीडियो, जो अपने हमारी कॉमेडी वीडियो है या हंसी मजाक की होगी वो भी इस पर अपलोड करते हैं। और जो तीसरा चैनल है आई के म्यूजिक मेवाती, उस पर आप म्यूजिक से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, उस पर गाने वगैरह सॉन्ग वगैरह डालते हैं, बीन वगैरह की वीडियो जो हम वो डालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और कहाँ से देख रहे हैं वीडियो। आप कमेंट करेंगे तो हमें भी ये पता चलेगा कि हमारी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कहाँ से नहीं, जहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो एक बार बाहर को दोबारा से मैं आपको लुक दिखा देता हूँ। हाँ कर ले सारे, यहाँ कर ले जा और यहाँ इन्होंने पूरी कर ली। तो जरूर बताएं कमेंट करके, या हम फूल ना बना रहे हैं, बस बस मिला रहा हूँ भाई कलर से जो ग्राउंड वैसे अच्छा लगे, फूल उनको टुकना बैठ रही हम। तो भाई मैं दिखा चुका हूँ पूरा मकान और बैठा वगैरह दिखा दी, और ये कमरा छोड़ा है और नीचे का वो हम काम कर रहे हैं, लेडीज हैं उसमें, तो इसलिए मैं ना दिखा पा रहा हूँ। तो पूरी वीडियो हो चुका है, इधर दूर से दिखा दो भाई जब कैमरा। तो माशाल्लाह वीडियो बहुत अच्छा बना है और व्यू माशाल्लाह मकान का बहुत अच्छा आ रहा है, और कुछ काम जो बाकी है वो रह रहा है इसमें छोटा मोटा, आज शायद फारिग हो जाने इंशाल्लाह। तो सभी दोस्तों से गुजारिश है, हमारी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, जहाँ से भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपको दिखा दिया है मकान ये पूरा, और मैं इमरान को भी अपने साथ लेना चाह रहा था वीडियो में, वो यहाँ था नहीं, वो बिजी इंसान है, थोड़ा यहाँ को नंबर लेऊँ और इमरान से भी हम आपको रूबरू कराएं, एक बार उससे मुलाकात करा देते हैं। तो हमारे इमरान भाई हैं चांदरा का से, जिसका हमने मकान किया है, रहमान डॉक्टर के लड़के, उसका मकान बहुत ही अच्छा बना है, और यहाँ पे जो ये लेटरिन बाथरूम है इसकी एक दीवार पर ही जो डिज़ाइन की है, थोड़ी ये रोड पर है, रास्ते में है, तो इसलिए यहाँ पे गाड़ी वगैरह जाती हैं तो उससे धूल मिट्टी इस पर बहुत जाती रहती है, तो इसलिए इस पर पेंट जो हमने किया है सारा ये वाटरप्रूफ में किया है, और ये एनिमल पेंट किया है, इसमें सारा पेंट अच्छी क्वालिटी का लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह का जो बहने का नाली वगैरह बना हुआ है ना, तो इससे भी बहुत ज़्यादा खार वगैरह की शिकायत आ जाती है। तो रोड पे है बिल्कुल जस्ट में मकान, और माशाल्लाह इसको आप देख रहे हैं सामने जैसा भी व्यू आ रहा है, तो पूरा मकान की वीडियो बना दिया यार। मैं इंतज़ार में हूँ थोड़ा इमरान के यहाँ आने को, आ नहीं रहे हैं, वो किसी से बात कर रहे हैं शायद, बहुत ज़्यादा बातों में उलझे हुए हैं भाई, वो नहा रहे हैं, आ जाइए एक बार थोड़ा। तो फोन आ गया आपने, तो पिकअप दा फोन आ रहा हो ना, तो दोस्तों फ़ोन आ रहा है, मैं उठाना रहा हूँ इसको, और लेकिन वीडियो चालू भी ख़त्म ना होगी। ये इमरान है भाई, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वीडियो एक चक्कर में लंबी होगी भाई, इमरान भाई है मेरा चांद रकम जो मकान कर रहे हैं। तो दोस्तों कॉल आ रही है,
बाय, अस्सलाम वालेकुम, बेस्ट ऑफ लक।